भारत माता की। पाकिस्तान। टेपिंग खोली है ना, टेपिंग खोली है तो बड़ी बड़ी काम है सर। लिक्विड तो नहीं है कोई? जम्मू कश्मीर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि हीरानगर सेक्टर के इस टल्ली गांव में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यहां पर एक हेक्साकॉप्टर को मार गिराया है, जिसमें से आपको बता दें कि एक पैकेट नुमा चीज़ है जो बताया जा रहा है कि शायद विस्फोटक हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पूरे इलाके की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को यहाँ पर कॉर्डन किया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस SOG के साथ साथ सेना के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर घेराबंदी जो है पूरे इलाके की यहाँ पर की गई है। और आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। पुलिस को इस बात की अक्सर यहाँ पर सूचना मिलती रहती है कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है, फिराक में लगा रहता है, किसी तरह से खलल डालने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर की जाती है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तब मिली है जब इस बॉर्डर के इलाके में जो रूटीन की पार्टीज यहाँ पर रहती हैं, SOG और पुलिस की पार्टियाँ जो यहाँ पर सर्च करती हैं, और पुलिस की टीमें जो है जो जिला पुलिस की वो भी साथ रहती हैं, तो उस पुलिस की टीम ने जब एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है हेक्साकॉप्टर की नोटिस की है, तो यहाँ पर 8 से 10 राउंड फायर यहाँ पर किया गया, जिसके बाद एक हेक्साकॉप्टर को जो है
टल्ली गांव में यहां पर मार गिराया गया है। और अभी ये बता दें कि हेक्साकॉप्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जो भी इसके साथ पेलोड अटैच था, जो भी सामान इसके साथ अटैच था, वो ये बताया जा रहा है कि विस्फोटक हो सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का यहां पर इंतज़ार यहां पर किया जा रहा है। और ये आपको साफ तौर पर बता दें कि ये एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये वही पैकेट है, जो ये बताया जा रहा है कि शायद कोई विस्फोटक है, जिसको इस तरह के सॉइल बैग के साथ यहाँ पर ढक दिया गया है। और आसपास की अगर बात करें तो पूरे इलाके को पुलिस की टीमों ने, एसओजी की टीमों के, उसके साथ साथ अगर बात करें तो सेना की टीमों ने यहाँ पर पूरे इलाके को घेर रखा है। और ये इस पूरे इलाके की सर्च की जा रही, खंगाला जा रहा है कि आखिर जो लोग इसके मददगार हैं, जिन लोगों के लिए ये हेक्साकॉप्टर यहाँ पहुँचा है, ये सामान जो है, जो रिसीवर थे, उनके भी छानबीन जो है पुलिस यहाँ पर कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हीरानगर सेक्टर में पुलिस ने एक हेक्साकॉप्टर को यहाँ पर मार गिराया है, और जो भी उसके साथ पेलोड यहाँ पर अटैच था, वो अभी तक उसका जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड का इंतज़ार किया जा रहा है। जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद ही ये पता लगा पाया जाएगा कि इस जो पैकेट है, इसमें क्या है। और भी बता दें कि एक बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि पहले भी इस इलाके में हेक्साकॉप्टर जो है वो BSF ने मार गिराया था, लेकिन ये भी देखा गया है कि इस इलाके में जो है इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट जो है अक्सर रहती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अक्सर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो जवान हैं, वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं, और उसी अलर्टनेस का नतीजा है कि आज एक बड़ा जो हेक्साकॉप्टर है, जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में, फिराक में जहाँ पे लगा हुआ था, अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पाया कि इस पैकेट में क्या है। और ये बताया जा रहा है कि ज़रूर इस पैकेट में विस्फोटक है, इसीलिए बम डिस्पोजल स्क्वाड का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सरबजीत सिंह, JK मीडिया के लिए। आज रिकवरी हुई है कि देखिए, ऐसा है कि पिछले कई महीनों से हमारी अर्ली मॉर्निंग सर्चेज चलती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, चाहे वो एंटी टनलिंग एक्सरसाइज हो, चाहे थोड़ा पीछे आके एरियाज़ में जहाँ पे ड्रोन एक्टिविटी की खबरें हमें मिलती है। तो दो चार दिनों से हमें यहाँ पे खबर मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ ड्रोन लाइक एक्टिविटी होती है, और उसी सिलसिले में हमारी राजबाग पुलिस की पार्टी जो है अर्ली मॉर्निंग सर्च कर रही थी, और सर्च के दौरान ही उन्होंने इस ड्रोन को साइट किया, और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी सी नज़र आई खेतों के बीच में। और उसके बाद जब ये थोड़ा नीचे आया तो ये मर्मरिंग करते हुए पुलिस वालों ने फायर भी किया और इसको गिरा दिया। और बाकी इस आपके सामने है कि इसके साथ कुछ सामान भी लगा हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे सस्पिशियस सा मटेरियल लगता है। हमने बम डिस्पोजेबल टीम भी बुलाई है, और जम्मू से हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं जो इसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहाँ से आया है, क्या इसका मकसद था, और इसके साथ जो पे लोड लगा हुआ है, जो बिल्कुल इसके साथ अटैच था, आपने देखा कि अभी हमारी BDS टीम ने फ़िलहाल उसको सेपरेट किया है ड्रोन से। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है JNK पुलिस के लिए और कठुआ पुलिस के लिए, कि पिछले एक डेढ़ साल से जब से ये हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स भी अब हमको मिलने लगे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम और इस इलाके में सख्ती से अर्ली मॉर्निंग सर्चेज शुरू करेंगे। सर, कितने बजे की बात आती सर? ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड से आ रहा है, और इंटरनेशनल बॉर्डर अगर आप एरियल यहाँ से देखें तो करीब करीब कोई 3 किलोमीटर के आसपास है। तो 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में हमने पहले भी ड्रोन एक्टिविटी नोटिस की है यहाँ पे कठुआ सांबा के एरिया में। उसी सिलसिले में आज ये जो ड्रोन वहाँ यहाँ पे आया था और उसको पुलिस ने मार गिरा के और उसको रिकवर किया। ड्रोन को भी सर आप ले गए हैं, उसको बंकर में डाल दिया गया, तो क्या देखते हैं, मेडिंग कुछ आया उस पर? उसमें जो बैटरीज लगी हुई हैं उसमें कुछ चाइनीज़ और कुछ कुछ लिखा हुआ है, और भी कुछ मार्किंग्स हैं। मुझे लगता है कि जम्मू से हमने कुछ एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं, और वो एक बार उसको चेक करने के बाद, देखने के बाद, बैटरीज को चेक करने के बाद, उसकी लोकेशंस और उसकी एक्टिविटी को नोटिस करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। सर, कितने बजे की वारदात है? और ये अर्ली मॉर्निंग में सुबह 8:30-9 बजे के आसपास मुझे बताया था अपने पुलिस वालों ने, और उसके बाद इमीजिएटली हम मौके पर आके हमने ये चेक किया। आपके माध्यम से मेरी यहाँ पे बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि कभी भी कहीं पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी उनको नोटिस होती है, काइंडली आप JNK पुलिस और कठुआ पुलिस में जो हमने नंबर्स, चाहे PCR कंट्रोल रूम के हैं चाहे बाकी हैं, वो डिस्प्ले किए हैं, तो वो हमें अगर प्रोवाइड कराएं,
तो हम पब्लिक की हेल्प भी कर सकते हैं और इसमें अपनी एरिया की सिक्योरिटी को और अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी तक क्या रिकवरी कोई रिकवर हुआ? इसमें तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक पैकेट है जो जिसको अभी तक BDS स्क्वाड ने थोड़ा खोला है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी दिख रहे हैं। इसके अंदर क्या है जब दूसरी टीम हमारी जम्मू की पहुँचती है उसके बाद ही पता चलेगा। और इसके साथ में एक हेक्साकॉप्टर जो आपने देखा वो है। तो सर पहले भी इस तरह की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया था, पहले भी हेक्साकॉप्टर में वेपन जो है वो इसका जो अभी जो पैकेट है उसमें कोई वेपन तो लगता नहीं है, लेकिन अंदर हो सकता है कि IED हो या कोई इस तरह के मैग्नेटिक बम्स हो या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल उसको खोलने के बाद एक्सपर्ट जब खोलेंगे उसी टाइम पे उसको पता चलेगा। क्या देखा जा रहा है? बॉर्डर का इलाका है क्या? कोई यहाँ पर OGW या कोई रिसीवर ऐसा था जो यहाँ? वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा था, किस साइड में जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पेलोड साथ में है तो ये अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा है। इन बिटवीन ही हमारे पुलिस वालों ने इसको इंटरसेप्ट भी किया है, यहाँ पे गिराया भी है, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें पता लगेंगी कि ये इसकी डेस्टिनेशन क्या थी। थैंक यू सर।